आज यानी 13 दिसंबर 2023 को संसद के शीत सत्र के 8वें दिन लोकसभा में सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया। दरअसल संसद की कार्यवाही के दौरान सदन में दो युवक घुस गए। इसके चलते सदन में अफरा तफरी मच गई। ये दोनों शख्स दर्शक दीर्घा से सांसदों के ऊपर कूद गए। इस दौरान एक युवक ने अपने जूते से स्प्रे निकाला और नारेबाजी करते हुए स्प्रे छिड़कने लगा, जिससे सदन में धुआं फैलने लगा। लेकिन इससे पहले कोई बड़ी दुर्घटना होती, इन दोनों युवकों को सांसदों ने पकड़ लिया और सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया। इस पूरे मामले के कारण लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी की प्रतिक्रिया भी सामने आई, जो उस समय संसद में मौजूद थे। कांग्रेस सांसद ने कहा, दो युवक दर्शक गैलरी से कूदे और उनके द्वारा कुछ फेंका गया, जिससे गैस निकल रही थी। उन्हें सांसदों ने पकड़ लिया, सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें बाहर निकाला। सदन दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ये निश्चित रूप से एक सुरक्षा उल्लंघन है, क्योंकि आज हम उन लोगों की पुण्यतिथि मना रहे हैं जिन्होंने 2001 में अपने प्राणों की आहुति दी थी। इससे पहले आज सुबह ही संसद भवन के सामने एक महिला और एक पुरुष ने नारेबाजी करते हुए टीयर स्मॉक छोड़ा और कहा कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। इन दोनों ने पहले पटाखे फोड़े और फिर उसके बाद भारत माता की जय, जय भीम, तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे लगाए। ये हंगामा ट्रांसपोर्ट भवन की ओर किया गया था। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, जिसकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। आपको बता दें कि संसद भवन पर साल 2001 में हुए आतंकवादी हमले की आज 22वीं बरसी है। 13 दिसंबर 2001 में आतंकवादियों ने संसद भवन पर हमला किया था। इस हमले में देश के 9 वीर सैनिक शहीद हो गए थे। हमले को अंजाम देने वाले सभी 5 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। संसद हमले की बरसी के मौके पर आज संसद के शीत सत्र के 8वें दिन पीएम नरेंद्र मोदी सुबह सुबह ही संसद भवन पहुंच गए थे। यहां उन्होंने संसद पर 13 दिसंबर 2001 को हुए हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री अमित शाह, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। इस मौके पर शहीदों के परिवारजन भी मौजूद थे। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद पीएम मोदी ने शहीदों के परिवार वालों से मुलाकात की और उनका हालचाल भी पूछा। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए